तो मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन चुके हैं और साथ ही साथ एक बड़ा फैसला उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद यहां पर मंत्रालय जाकर यह बड़ा फैसला लिया है। क्या बड़ा फैसला लिया है जी दोस्तों, इससे पहले अगर बात करें तो चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और चौथी बार मुख्यमंत्री बनते ही पीएम मोदी की उन्होंने बराबरी कर ली है। अब यहां पर जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप पीएम पद के दावेदार भी शिवराज सिंह चौहान बन चुके हैं, ऐसी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। इसको लेकर पीएम मोदी ने अभी शिवराज सिंह को बधाई दी है चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के तौर पर, क्योंकि चौथी बार मुख्यमंत्री पद अगर संभाला है तो वो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अब वो पीएम है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब कहीं ना कहीं शिवराज सिंह भी एक बड़े दावेदार यहां पर पीएम के तौर पर माने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर यहां पर मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा यहां पर फैसला शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ग्रहण के दौरान ये बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों सीएम की कुर्सी संभालने से पहले उन्होंने मंत्रालय जाकर यहां पर पूजा अर्चना की है। इससे पहले 29 नवंबर 2005 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार 12 दिसंबर 2008 में और तीसरी बार जो है 8 दिसंबर 2013 और चौथी बार 23 मार्च 2020 को उन्होंने मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन क्या बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, ज्यादा उन्होंने यहां पर राजभवन में ज्यादा उत्साह के साथ शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से सिर्फ उन्होंने कुछ ही मिनटों का यहां पर कार्यक्रम था और इस दौरान उन्होंने जो है देर रात बैठक ली। कोरोना से बचाव के लिए सीएम यहां पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान यहां पर किया है। ऐलान के दौरान उन्होंने जो है कर्फ्यू को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिए हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो जबलपुर और भोपाल में ये कर्फ्यू है और पांच से अधिक लोगों पर एकत्रित होने पर यहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, भोपाल जबलपुर में कर्फ्यू यहां पर लागू हो गया है और सीएम शिवराज सिंह देर रात उन्होंने बैठक ली। इस पर कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है, हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है कोरोना वायरस की वजह से और अब जो है आने वाले समय में किसानों के लिए और यहाँ पर बेरोजगारी के लिए सभी के लिए कुछ ना कुछ बहुत जल्द वो नया फैसला लेंगे। बहुत जल्द यहाँ पर नई कैबिनेट यहाँ पर गठित होगी, उसके बाद कई बड़े फैसले यहाँ पर होने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।